दोस्तों मान लीजिए इस स्टार्टर को बड़ी दूर लगाना है और हमने इसे ऑन ऑफ करने के लिए बहुत ही नजदीक एनएनसी बॉक्स लगाना है, ठीक है, यानी कि इस स्टार्टर को बड़ी दूर लगा हुआ है हमारा स्टार्टर और इसे हमने बहुत ही नजदीक एक कनेक्शन करने है एनओएनसी स्विच के, जिससे हमारा स्टार्टर कभी बंद हो जाए तो कभी चल जाए, यानी कि इस एनओएनसी स्विच के कनेक्शन करने हैं, ठीक है। तो इस डीओल स्टार्टर के ऊपर इस एनओएनसी स्विच के कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार होगी, मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो बताने वाला हूँ। तो ये है डीओल स्टार्टर को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, उसके बाद ये एनओएनसी स्विच ले लिए। अब इसके बाद इसके कनेक्शन कैसे होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार कनेक्शन होंगे इसके, ध्यान से देखिए, जो इंडिकेटर का कनेक्शन करना है वो करना है इस स्टार्टर की जो कॉइल लगी हुई है ना वहाँ पर इंडिकेटर लग जाएगा और इस प्रकार इसके कनेक्शन होंगे जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए ज़रा, ठीक है, इंडिकेटर के कनेक्शन ऐसे होंगे। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो लोग नए हैं मेरे इस YouTube चैनल पर, प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।